आईलाइनर लगाने का तरीका मैं आपको बताती हूँ। अच्छा मैं लगाऊंगी, मैं वैसे यूज करती हूँ ये वाला रेमल का, ये वाला लाइनर, और रिमल के इस लाइनर्स की बजाय आज मैं यूज़ करूँगी ये लाइनर, मार्कर लाइनर। और मार्कर लाइनर मैं इसलिए यूज़ कर रही हूँ कि ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव वन है, एक्सपेंसिव आईलाइनर है, और मैंने आईलाइनर का ट्यूटोरियल भी देना था आप लोगों को, तो मैंने सोचा कि आज क्यों ना आप लोगों को ऐसा ट्यूटोरियल दिया जाए कि जो आप लोगों के अफोर्डेबल हो और रीज़नेबल हो, और प्रैक्टिस करें आप लोग, प्रैक्टिस से आप लोगों को लाइनर लगाना आ जाएगा। तो आज मैं आपको लाइनर का डेमो दूंगी। इस ये 100-200 रुपए का आराम से मिल जाता है किसी भी शॉप से इजीली। तो मैं आज लाइनर लगाना आपको सिखाऊंगी इससे मार्क। और लाइनर सीखने के लिए सबसे बेस्ट लाइनर जो है, अगर आप बिगनर हैं तो लाइनर लगाने के लिए, अच्छा लाइनर, विंग लाइनर लगाने के लिए आप मार्कर लाइनर प्रेफर करें। मार्कर लाइनर इसलिए प्रेफर करें कि मार्कर आप पेंस और पेंसिल्स की तो ग्रिप आपको पता है एक अच्छी होती है आप लोगों की, क्योंकि आप राइटिंग स्टूडेंट्स हैं, तो फिर या स्टूडेंट हैं या आपने स्टूडेंट लाइफ गुजारी है तो आपको पता है कि पेंसिल पकड़ना, पेन पकड़ना सेम ऐसे ही होता है। और हम इससे आज आपको सेम उसी तरह लगाना सिखाएंगे लाइनर। तो सबसे पहले मैं करीब इसलिए आ रही हूँ कि आपको कैमरे में ऐसा नजर आए। प्लीज़ मेरा बड़ा मुंह बर्दाश्त कीजिएगा थोड़ी देर के लिए। ये देखें, आई होप आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ से, ये जो आपकी ऊपर की लाइन आ रही है ना, ये अपर लैश लाइन, लैश लाइन के बिल्कुल जहाँ पे एंड होती है ना, वहाँ से आप लोगों ने एक सीधी लाइन, और अब इसी लाइन से थोड़ा सारा नीचे से होके आपने बिल्कुल सीधे आना है, सीधे सीधे सीधे, और फिर नीचे ऐसे सीधे आके जैसा आप लोग डी बनाते हैं ना, ये देखिए, और अब आपने अपनी आंख आई के स्टार्टिंग में से बिल्कुल बारीक सी एक लाइन लगानी है, बारीक सी, और इसको उसके साथ ज्वाइन कर देना है। बस इसको नीट कर लें अब। मैं आपको दोबारा इस आंख पे भी लगाना बताती हूँ। नजर आ रहे हो आपको जी? तो अभी सांग पे लगाना बताती हूँ मैं आपको, बिल्कुल ये देखें ऐसे, ऐसे ए यहां तक, हाफ ए बना के आपने इसको नीचे ले आना है अपनी लैश लाइन के साथ ऐसे, तो लग गया है हमारा आईलाइनर, विंग्ड आईलाइनर। और अब हम लगाएंगे अपनी आंखों में काजल। तो मेकअप अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।